हम महिलाओं का अपना जो संघर्ष है वो कोर्ट में भी कर रही हैं, तो बाहर भी कर रही हैं, घर में भी कर रही हैं। जब कोई एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ सकता है, तो वो अधिवक्ता जो बाहर है चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? जितनी भी बार बनी है हम लोग सिर्फ वोट ही कर रहे हैं, हम महिलाओं को तो सिर्फ वोटर में ही देखा जा रहा है। जितने एडवोकेट्स यहाँ पर है उतने चैम्बर्स नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, चैम्बर नहीं है। नए निर्माण के लिए हरे पेड़ों को काटा गया है, उसकी भी कमी महसूस होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो कह सकते हैं एकदम, वो है पार्किंग की। आम पक्षकारों और गरीब जनता के बैठने के लिए सुव्यवस्थित रूप से ऐसा कोई परिसर नहीं है जहाँ पर कोई गरीब जनता आए और आराम से बैठ के अपना दिन भर यहाँ पर कार्य कर सके। सीनियर भी हैं जो पेड़ के नीचे खड़े होकर, गाड़ी पे खड़े होकर काम करते हैं, हर बार लेकर के किसी बात को विसंगतियां उत्पन्न की जा रही है जो एक निंदनीय है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। इस वक्त मैं उस जगह खड़ी हूं जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है और हर एक व्यक्ति यहां पर न्याय पाने के लिए ये उम्मीद रखता है और यहां आता है। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव जब जब भी होते हैं तो अखबारों की, चैनल्स की सुर्खियां बन जाते हैं क्योंकि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होते हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव में हर बार कई वादे और दावे भी किए जाते हैं, लेकिन वो वादे और वो दावे कितने सार्थक हो पाए हैं, कितने पूरे हो पाए हैं, यही जानने के लिए उदयपुर न्यूज़ की टीम आज आपको लेकर जाने वाली है कोर्ट परिसर के अंदर, जहां पर अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जो कॉमन प्रॉब्लम्स उन लोगों की है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं न्याय के मंदिर में। बार एसोसिएशन के चुनाव में हर बार कई वादे और दावे किए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हर तरीके से समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा, जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो दावा करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर्ट परिसर के पीछे की तरफ, जहाँ आपको बता दें कि जो अधिवक्ता हैं उन लोगों का कहना है कि अगर इस जगह का यूज़ किया जाए, सही तरह से उपयोग किया जाए, तो यहाँ पर दो मंजिला इमारत बनाकर ये लोग चैम्बर्स बना सकते हैं और जो यहाँ पर समस्या आ रही है अधिवक्ताओं को बैठने को लेकर वो हल हो जाएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये जो जगह है उसके लिए पूर्व में जस्टिस कौर मैडम आए थे, यहाँ का मौका निरीक्षण करके उसको परमिट करके गए थे कि यहाँ पे चैम्बर्स का निर्माण किया जाए। जो हमारे अधिवक्ता जैसे लिटिगेशन शेड में बैठे हुए हैं, तो मेरा मुख्य ध्येय यही होगा अध्यक्ष बनने के बाद कि यहाँ पे चैम्बर्स का निर्माण करा के उनको पक्का जो चैम्बर है पक्के चैम्बर में अच्छे से उनको बिठा सकें। हर अधिवक्ता यहाँ पे 2-3-4 फ्लोर जो भी परमिशन है उस फ्लोर पे हर एक अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अच्छी जगह हो, बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित हो, ये मेरा मुख्य ध्येय है। जो मैंने पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था उस समय भी यही कहा था, लेकिन मैं कारणवश हार और जीत लगी रहती है, तो इस बार वापस प्रयास कर रहा हूँ और अधिवक्ताओं के लिए मेरा मुख्य ध्येय इनके बैठने के लिए अच्छी चैम्बर्स सुविधा आ जाए, ये मेरा मुख्य ध्येय है। जैसा कि पार्किंग सुविधा है, पार्किंग के लिए भी मुख्य समस्या पार्किंग की है, तो मैं ऐसे जैसे सूरज पोल पे बना हुआ है कि जिसमें गाड़ियां आ जाती है, इसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से मैंने पूछा, पता भी किया कि एक मल्टी लेवल एक पार्किंग सिस्टम यहाँ बन जाए जिसमें सारी गाड़ियाँ व्यवस्थित रूप से आ सके, मेरा यही उद्देश्य रहेगा। युवा अधिवक्ताओं से बात करना चाहूँगी। सर, आप कितने समय से कोर्ट में काम कर रहे हैं? मुझे सन 2018 से मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपको लगता है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है और आप चाहते हैं कि उस पे निस्तारण? समस्याएं तो जैसे एक नीचे बाथरूम है, वो काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से बहुत ही ख़राब स्थिति में पड़ा हुआ है, ना तो उसकी साफ़ सफाई होती है और ऐसा है कि वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, और दूसरे भी जो भी बाथरूम्स वगैरह हैं उनमें भी यही समस्या है ही है। तो जनरली जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो बाथरूम की है, तो वहाँ जाते हैं गंदगी है, तो कहीं कभी ठीक से मतलब वो सुविधा जो है यहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है। और उसके अलावा तो खैर चैम्बर्स वगैरह तो अब नए अधिवक्ताओं को भी मिले हैं, अब ये जो सर ने बताया
कि यहाँ पे एक चैम्बर्स के लिए अलॉटमेंट होने वाला था और जो भी जस्टिस वगैरह आए थे, जब उसकी जानकारी मुझे अभी वर्तमान में नहीं है, बट ये भी अगर बनता है और डेवलप होता है तो सभी अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छी बात है, पार्किंग वगैरह बनती है तो भी अच्छी बात है। पार्किंग की फैसिलिटी तो वैसे बहुत बदतर हालत है, जैसे कई बार बाइक्स वगैरह जैसे हम भी पार्क करते हैं तो हमें निकालने के लिए 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो हमारा समय ख़राब हो जाता है। तो ये है सर। जी मैम, मैं 2020 से इस न्यायालय में परिसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया, जैसा ये एरिया है तो आने वाले जो नए नए अधिवक्ता हैं उनके लिए, हम जैसे युवाओं के लिए ये जगह हैं तो इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर का जो इरादा है, तो हम मैं मुख्य मेरा जो विषय कैबिट एरिया इसी के लिए है, जो कोर्ट में जो ऐसी ज़मीन जो रखी हुई है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उनका नायर परिसर में इस्तेमाल किया है और सर का यही उद्देश्य और हम सर के साथ है। जय शीतल जी, महिला अधिवक्ता हैं आप, कितने समय से आप? मुझे 13 ईयर हो गए। इन 13 ईयर्स में आपको लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया? बिल्कुल है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, चैम्बर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। नए एडवोकेट जो आते हैं उनके लिए भी कोई चीज़ नहीं है, और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। जैसे स्मार्ट टॉयलेट, मैं डूंगरपुर कोर्ट गई थी तो डूंगरपुर कोर्ट हमारे यहाँ से छोटा है, बट वहाँ का टॉयलेट मैंने देखा, इतना अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ नहीं है। संभाग मुख्यालय है तो यहाँ पे होनी चाहिए। इस बार तो कुछ महिला प्रत्याशी भी लड़ रही हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए। महिलाएं अगर कार्यकारिणी में आती है तो उनको प्रॉपर महिलाओं की सुरक्षाओं का तो प्रॉपर ध्यान रख के और व्यवस्थाएं करनी चाहिए उनको। जी, हित रखना हर प्रत्येक अधिवक्ता का है और बार एशियन इसमें तन मन से लगा हुआ है और चुनाव विधि के अनुसार कराना चाहिए। अभी कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं है, हर बार लेकर के किसी किसी बात को विसंगतियाँ उत्पन्न की जा रही है जो एक निंदनीय है, और बहुत ही कठोर शब्दों में कह दूं तो निष्क्रिय के तरीके से ये उठाया जा रहा है जो गलत है। चुनाव जो एक प्रजातांत्रिक तरीका है, जब कोई एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा चल रहा है वो MLA और MP का चुनाव लड़ सकता है, तो वो अधिवक्ता जो बाहर एशियन के चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? बार कंसील एंड बाहर एशियन में ये एक एनी एडवोकेट हु इज पनिश्ड एनी ऑफेंस और उसके खिलाफ मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पात्रता नहीं रखता है, और उसमें भी अगर कोई रखता है तो अपना पक्ष रखे, उसको सुनने के बाद बार डिबार्ड किया जाएगा। अधिवक्ता साथियों से कुछ कहना चाहें उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से? अब सभी अधिवक्ता सदस्यों को मैं तो कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान के में कई बार एशियन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि बार एशियन अपने लेवल पर नॉन प्रैक्टिसिंग दिखा रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो अधिवक्ता डेली कोर्ट में आ रहे हैं उनके नाम तो कट रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिखे जा रहे हैं, इसलिए ये जनरल उसमें तय किया गया था चुनाव होंगे, जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा इसकी कमेटी अपने लेवल पर नहीं, जनरल हाउस में बनाकर तय करना था, उसके आधार पर करना था। उसके बावजूद भी जो इन्होंने वो जो लिस्ट बनाई है, सब एडवोकेट राजी आप तो चुनाव कराओ, और जहाँ तक मामला कंटेम्प्ट की बात, कोई कंटेम्प्ट नहीं, कोई स्टे नहीं, और व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए अधिवक्ताओं के चुनाव में अभिविधान डालने के लिए अपने लेवल पे कोई रिट लगाता है तो उससे ये हमारा जो चुनाव का जो कार्यक्रम चालू हो गया है और आचार संहिता जारी हो गई है, वर्क इन प्रोग्रेस चुनाव प्रक्रिया जारी हो गई मीन्स स्पेसिफिक है, ये वेल सेटल्ड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया जारी हो जाती है तो चुनाव को नहीं रोक जा सकता, इस बात पर कोई स्टे नहीं आता है। मनीष जी, किस कैसे देख रहे हैं चुनाव को, और अब तक अगर काम की बात करें तो क्या कुछ आप पाते हैं? मैं ये मानता हूँ, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अधिवक्ताओं के आगामी चुनाव को जो कवरेज कर रहे हैं उसके लिए अधिवक्ता वर्ग आपका आभारी है, और वैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता BCR के मेम्बर और को चेयरमैन राव साहब ने कह चुके हैं, और मैं ये मानता हूँ कि पहले नगर निगम में पार्षद भी रहा हूँ, विपक्ष का नेता भी रहा हूँ, और इस बार
हमारे लिए सदैव अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और हमारा जीवन पूरा यहीं इस अदालत में ही निकलने वाला है और हम हमारे घर से ज़्यादा इस यहाँ पर समय बिताते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी सरकार अशोक गहलोत की है और दो दिन पहले गहलोत साहब यहाँ पधारे थे, उन्होंने ये बात बोली कि मेवाड़ में जो भी वाजिब मांग बनती है और जिस किसी से भी जनता खुश होती है, अगर कोई जायज़ मांग वगैरह होती है तो अशोक गहलोत साहब की सरकार उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर भी हम वहाँ से बजट लाके अधिवक्ता वर्ग के लिए विशेष कार्य करेंगे और एक विकास के नए आयाम इस बारे में स्थापित करेंगे। धन्यवाद। चेतन जी, हर बार साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की जाती है, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव? नहीं, इस बार के जो चुनाव जो कमेटी जो नियम बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे नियम हैं। मैं तो एक ही कहता हूँ, जो BCI और BCR के जो नियम आए उसके अंदर कंटेम्प्ट की जो बात कही गई है, अभी कुछ टाइम पहले एक अधिवक्ता का मर्डर केस था जिसके अधिवक्ताओं में आक्रोश था, उस बात को लेके अधिवक्ताओं में आक्रोश था, इस बात को लेकर धरने प्रदर्शन जो हुए उनके तहत जो मुकदमे हुए, आज कुछ कंटेम्प्ट कार्रवाई हुई है, वो सिर्फ किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और किसी व्यक्ति अपने हित के लिए कार्य नहीं हुआ है, ये बाहर के आंदोलन था, पूरे बाहर काउंसिल ऑफ इंडिया का आह्वान पे आंदोलन हुआ था, उसके अंदर कंटेम्प जो हुआ इस काले कानून से, जो अधिवक्ता वर्ग जो दुनिया के लिए लड़ता है, जो इंसाफ की लड़े लड़ता है, उस इस काले कानून आने से वो खुद डिमोरलाइज हो रहा है, क्योंकि ये कंटेम्प जजेस जो जुडिशरी जो हावी होती जा रही है आजकल अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके की जा रही है, उससे एक अधिवक्ता वर्ग में बहुत ज़्यादा रोष है और इस काले कानून आने से एक राइट खत्म होता है। और बाहर में कुछ कतिपय है जो हर जगह होते हैं जो है, नहीं बनी है, बनी है बिल्कुल, प्रमोद जी बख्शी मैम बनी है हमारे, बिल्कुल रही हैं वो बहुत पुराने बहुत टाइम पहले, और कई महिला अधिकार अभी हमारे अभी वर्तमान में भी दो महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं। और महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक ये वार्षिक उत्सव है, एक अच्छा त्यौहार है, सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूँगा कि इसको एक हर्षोल्लास साथ मनाएं और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें, एक अच्छे योग्य एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो हमारे लिए हम सबके लिए और कम से कम बार ऐसे उदयपुर के लिए कुछ कर सके। महिला अधिवक्ताओं के लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सोनिका जैन, उनसे बात करेंगे, एक पार्षद भी हैं। मैम, आप कितने समय से कोर्ट में रोज आ रही हैं? 10 ईयर्स हो गए। 10 साल हो गए। 10 सालों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप फेस कर रही हैं और आपको लगता है कि तब भी यही थी और आज भी यही आलम है? बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके अंदर प्रोबेबली बीइंग ए वीमेन मैंने जो फेस करी वो है कि जो महिलाओं के लिए है शौचालय जो है वो प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा एक महिला आने के बाद यहाँ पर हमको कभी ये फील नहीं हुआ कि लाइक खाना भी लेकर के आए, एक फूड जोन जो होता है वो प्रॉपर नहीं है। और दूसरा ये कि अगर छोटे बेबीज़ भी हैं तो बहुत सारी कोर्ट्स या बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था होती है या फिर कोई छोटा नर्सरी टाइप कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर अगर कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत भी पड़े तो हम उनको वहाँ पर ला करके, हाँ क्रेच की बात तो वो एक होता है, तो हमको भी सुविधा रहती है, इवन तो जो अधिकारी होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल ही रहता है। उसके अलावा महिलाओं के लिए बैठने की जो व्यवस्था है, जैसे कि एक गर्ल्स कॉमन रूम होना चाहिए, वो बनाया भी था पहले बट यूज़फुल नहीं है इतना, तो एक प्रॉपर व्यवस्था के साथ जहाँ पर पानी की व्यवस्था भी हो, टॉयलेट की व्यवस्था भी हो और बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था हो, तो ये सभी जो ज़रूरत है ये निश्चित रूप पर अगर आने वाले समय में अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात होगी महिलाओं के लिए। क्या समस्या है महिलाओं की ज़्यादातर यहाँ पर कोर्ट में? महिलाओं की यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं और हमेशा समस्याओं में महिलाएं रही हैं और अपनी जब समस्याएं लेके बाहर में भी गई हैं तो उनकी सुनवाई थोड़ी कम ही हुई है। और जहाँ तक है, मैं खुद भी एक महिला हूँ तो जो चीज़ मैं फेस करती हूँ उसी के लिए बता रही हूँ कि एक तो कॉमन रूम महिलाओं के लिए नहीं है। हम लोगों को कहीं पर भी कुछ मीटिंग करनी हो, कुछ बात करनी हो महिलाओं को, तो एक दूसरे की टेबल या ऐसे ही जाना पड़ता है। दूसरा, वॉशरूम की फैसिलिटी बिल्कुल भी इतनी गंदी है कि महिलाएं खुद, कितनी बार मैंने खुद ने एप्लीकेशन सीनियर एडवोकेट के साइन करके दिए पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार बाहर में आते हैं, इलेक्शन होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं, फिर हमें बोलते हैं हाँ नहीं हम महिलाओं के लिए हैं करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कुछ मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि उन्होंने कुछ किया हो।
और सीमा जी, अधिवक्ताओं को लेकर, प्लॉट को लेकर भी कई बार कहा गया कॉलोनी अभी तक बस नहीं पाई है, प्लॉट आप लोगों को नहीं मिल पाए, उस पर क्या कहें? ऐसे कहना हमेशा ही, जब भी इलेक्शन होते हैं और ये बातें भी हुई हैं और क्या आवंटन हो रहा है और महिलाओं को भी दिया जाएगा एक, इसमें अपना रिजर्वेशन होगा, मतलब हम वकीलों के लिए दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तो कोई सुनवाई या गौर तो कभी भी किसी भी बार के प्रतिनिधि जो भी प्रेसिडेंट बने हैं हमारे अध्यक्ष बने उन्होंने नहीं किया, और उस बात को तो सिर्फ सुनने में आया है, अभी तक उसमें कोई अमल किया गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब आते हैं वही पॉलिटिकल्स जो होती है, आश्वासन वाली लैंग्वेज चलती है कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ किसी ने कुछ किया भी नहीं है। और आए जब भी जितनी भी बार बनी है हम लोग सिर्फ वोट ही कर रहे हैं, हम महिलाओं को तो सिर्फ वोटर में ही देखा जा रहा है, बाकी कहीं कोई कैंडिडेट अगर अच्छे पद पर खड़ा हो तो वो नहीं जीतेगा। और अब कुछ प्रॉब्लम महिलाओं को हो रही है, बाहर में गई हैं तो कहा जाता है कि आप जिस चैम्बर से आप उनसे बात करो, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट खड़े हैं, हम वोटर हैं, महिलाएँ यहाँ पर वोटर हैं, महिलाओं के हक के लिए कोई लड़ा नहीं है आज तक, और नहीं मैंने कोई ऐसा देखा है प्रतिनिधि कि कोई आके सामने बोला हो कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम महिलाओं का अपना जो संघर्ष है वो कोर्ट में भी कर रही हैं तो बाहर भी कर रही हैं घर में भी कर रही हैं, यही चल रहा है, बस हम एडवोकेट हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम तो हम ही को सॉल्व करनी है। इस वक्त मैं कोर्ट परिसर में मौजूद उस कैंटीन में मौजूद हूँ जिसको लेकर हर बार बात की जाती है और कहा जाता है कि ये कैंटीन जो है वो समय के साथ साथ अब थोड़ी सी बदलनी चाहिए, थोड़ी हाईटेक होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो कॉमन लोग हैं, जो जनता है, वो भी यहीं पर बैठती है, अपना जलपान करती है, और साथ ही जो अधिवक्ता है उनके लिए भी यही जगह है। तो अधिवक्ताओं की ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ उतना कहना है इनका कि इस कैंटीन को थोड़ा हाईटेक किया जाना चाहिए, समय के अनुसार थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रजनीश माहूर। रजनीश जी, आप कितने सालों से कोर्ट में आ रहे हैं? 2001, 22 साल। 2001 से आ रहे हैं, 22 साल लगभग आपको हो गए। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि तब भी थी और अब भी है? थोड़ा सा साफ सफाई की है, पार्किंग की है, और अन्य जो सुविधाएं हैं जो मूल रूप से अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को आवश्यक होती हैं उनकी कमी महसूस होती है, जो निरंतर आज भी बनी हुई है। एक अच्छा सा बैठने का स्थान, थोड़ा सा एक हरियाली जिसकी कमी महसूस होती है, नए निर्माण के लिए हरे पेड़ों को काटा गया है उसकी भी कमी महसूस होती है, ऐसी बहुत सी हैं जिनका विचार किया जाना आवश्यक है। क्या नाम है सर? अबरार अहमद। सर, आपको लगता है कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तब भी थी अब भी? बिल्कुल, जो मुझे 3-4 साल हुए हैं। जी हाँ, हाँ वही जो भैया ने बताया, जैसा पार्किंग वगैरह को लेके यही समस्या है ज़्यादा, बाकी सब। पंकज जैन। पंकज जी, कितने समय से कोर्ट में रोज आ रहे हैं? मैं 10 साल से रोज आ रहा हूँ कंटिन्यू कोर्ट में। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पहले भी थी अब नहीं? समस्या तो ठीक है, पार्किंग की समस्या हमेशा से रही है और वो अभी भी चल रही है कंटिन्यू पार्किंग की, इसलिए रिपोर्ट भी काफ़ी दी है काफ़ी सरकारी दफ्तरों में भी, पर अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। चैम्बर्स का तो अभी इधर तो हम ये लिटिगेशन सेट में बैठ रहे हैं अभी तो, बाकी चैम्बर्स बने तो अच्छी बात है, सब अधिवक्ताओं को रोज़गार मिले, बैठने की व्यवस्था मिल जाए, आम सुव्यवस्थित रूप से किसी प्रकार आम पक्षकारों और गरीब जनता के बैठने के लिए सुव्यवस्थित रूप से ऐसा कोई परिसर नहीं है जहाँ पर कोई गरीब जनता आए और आराम से बैठ के अपना दिन भर यहाँ पर कार्य कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, की गई थी मगर उनका मूल रूप से कोई हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से कभी कभी लगता है कि जो गरीब जनता आती है जो इधर उधर बैठती हैं उनको बैठने के लिए सुव्यवस्थित जगह होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैडम, आप कितने समय से कोर्ट में आ रही हैं? मुझे 22 साल हो गए कोर्ट में। सालों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब तक हल नहीं हो पाई? हाँ, 22 सालों में समस्याएं तो काफ़ी हैं, जैसे चैम्बर्स प्रॉपर नहीं है, जितने एडवोकेट्स यहाँ पर है उतने चैम्बर्स नहीं हैं, काफ़ी एडवोकेट्स ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी सीनियर भी हैं, जो पेड़ के नीचे खड़े होकर गाड़ी पे खड़े होकर काम करते हैं, और उनको अभी तक चैम्बर नहीं बना पाया कोई भी, जितने भी कार्यकारिणी बनी है सब ने चैम्बर्स के लिए बोला पर चैम्बर्स नहीं बना पाए, और पानी की व्यवस्था ही प्रॉपर नहीं है, वॉशरूम प्रॉपर नहीं है, चाहे लेडीज़ के हो चाहे जेंट्स के हो। तो महिला अधिवक्ताओं की जो समस्या है वो काफ़ी समय से है, कुछ कहना चाहती हूँ? और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो कह सकते हैं ना एकदम, वो है पार्किंग की, मतलब पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है एकदम कि आप मतलब गाड़ी लाने से भी लोग डरते हैं, और वापस गाड़ी लाए तो फंसेगी, आप उसको निकालने के लिए आपको उसके पीछे वाली गाड़ी के निकलने का वेट करना पड़ेगा, इसलिए।
तो ये अधिवक्ता हैं जिनसे हमने बात की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इन अधिवक्ताओं का ये कहना है कि काफ़ी समय से ये लोग यहाँ आ रहे हैं, कई वर्षों से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और पार्किंग में अगर कोई गाड़ी खड़ी कर दी तो इन्हें इनकी खुद की गाड़ी निकालने के लिए भी कम से कम एक घंटा लग जाता है। कई बार इस तरह से गाड़ी फंस जाती है। और पार्किंग की जो समस्या है वो आज की नहीं है, काफ़ी समय से ये समस्या है, और इसके लिए हर अधिवक्ता जो है वो परेशान है, हर अधिवक्ता लड़ता है, अपने चुनावी एजेंडे में इस बात को शामिल भी करता है, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। चुनाव के बाबत काफ़ी सारा संशय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उदयपुर बार एसोसिएशन के लिए ही ऐसा कृत्य क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट में जो सच्चान की कमेटी है उसके द्वारा जो सब पे नियम लागू होते हैं, वो नियम केवल उदयपुर में ही क्यों लागू होते हैं, बाकी सब जगह क्यों नहीं होता है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, सब जगह चुनाव इन नियमों की पालना किए बिना हो चुके हैं, हो रहे हैं, और कोई बाकी नहीं है। केवल उदयपुर में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी नियति खराब है। चुनाव कराने के मामले में ये कभी स्पष्ट व्यू नहीं रखते हैं। अगर कराना होता तो पहले इसका सब सोच समझ के इनको जनवरी फरवरी में ही करना चाहिए कि फैसले आज के नहीं है, 2015 के 2017 के फैसले, इनको लागू अब क्यों किया जा रहा है? इतने सालों तक क्या करते रहे? ये बीसीआर वाले कहते हैं कि साहब हम ये करें, बीसीआर खुद वाले चाहते हैं कि हमारे चुनाव 2023 में नहीं होकर के 25 में होवे, ताकि हम इसमें उलझाए रखें बार एसोसिएशन को, क्योंकि इनकी लिस्ट है। नॉन प्रैक्टिसिंग वाले जाएंगे जोधपुर में, वो कहते हैं कि साहब इन्होंने लिस्ट नहीं भेजी इसलिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो नीति यहाँ की नहीं है, नीति खराब है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, उनके चुनाव आगे बढ़ाने की नीति के पीछे ये कारण है सब। तीसरी बात ये कि जो नॉन प्रैक्टिस वाले हैं ये आज के थोड़ी हैं, आप पैसा जमा मत करो, आप इनको मेंबर मत बनाओ। अब एक साइड में तो आप पैसा ले रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से दिया जाता है, तो फिर आप यहाँ उनको वकील के रूप में आने के लिए क्यों मना कर रहे हो? दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं चल सकती। आप सर्टिफिकेट ही मत दो ना कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप नहीं, आपका प्रोविजनल है, आपका कैंसिल माना जाएगा। आप क्यों देते हो और क्यों फीस लेते हो? वहाँ तो फीस ले लेते हैं और आपका वोटिंग राइट वहाँ उदयपुर में होगा, क्यों लिख के देते हो? यानी कि सारी खमियाँ जो है ले दे करके इनके संविधान में है, और उन संविधान की कमियों को पूरा नहीं करेंगे जब तक ये चलेगा नहीं। इसलिए सारा कार्यक्रम जो है किया कराया सब ये सस्पेंस है और कुछ नहीं है। जब घोषणा हो चुकी है तब चुनाव होंगे, होके रहेंगे। सर अगर बात करें चुनावी एजेंडे की, तो हर बार क्या शामिल किया जाता है, और आप सोचते हैं कि अब तक उस पर काम नहीं हुआ लेकिन इस बार होना ज़रूरी है? ऐसा है कि सभी अपने अपने एजेंडे प्रत्याशी लेके आते हैं। काफ़ी हद तक जो प्रत्याशी विजय प्राप्त करता है, अध्यक्ष बनता है, जो भी अपने पद पे विजय प्राप्त करता है वो करने की पूरी कोशिश करता है, परंतु समय वास्तव में एक साल का रहता है। उसमें प्रयास सभी करते हैं, पर जितनी उसके सामर्थ्य होती है उसी अनुसार वो कार्य करता है, और सभी लगे रहते बार एसोसिएशन के। समय की बात करी, मुझे एक बात याद आ रही है उससे, कि आपको नहीं लगता कि समय को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है और हर बार जो चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती हैं? निश्चित रूप से आपसे ये कहना सही है, समय बहुत कम है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि संगठन को चलाने के लिए अगर मुखिया की समझ पूरी नहीं होती है और जीत तो जाते पर उसको चला नहीं पाते इस परिवार को, तो फिर हमारे को उस समय काफ़ी दुखी होना पड़ता है कि यार अगर ये दो साल तक रह जाएंगे तो पूरी बार एसोसिएशन का जो संगठन का है, जो महत्व है, वो ख़त्म हो जाएगा और गर्त में बैठ जाएगा। मुख्य रूप से क्या चीज़ें आप किस मुख्य रूप से क्या आपके चुनावी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं? हमारे जनरली ये बाहर में जैसे चैम्बर्स बनवाना है और बाहर की गरिमा बनाए रखना, और किस तरह से आप जिस तरह से न्यायिक अधिकारी और आजकल जो देखा जा रहा है माहौल वो उसको मेंटेन रखना, ये भी बाहर के जो अध्यक्ष है और कार्यकारिणी उसका दायित्व रहता है, और बहुत सी छोटी छोटी समस्या, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, हमारे सभी परिवार की तरह हैं, हम सब साथ रहते हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए सब ये अब जो विजय जो भी प्राप्त करता है वही प्रत्याशी अपना बता पाएगा कि उनकी क्या एजेंडा है महिला अधिवक्ताओं के लिए। चक्रवर्ती सिंह जी, पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि अब तक अधिवक्ताओं की कोई कॉलोनी या प्लॉट आवंटन को लेकर कभी कोई कार्य नहीं किया गया, उस पर क्या कहें? काफ़ी समय पहले अधिवक्ता कॉलोनी सेक्टर 11 में वहाँ पर सरकार द्वारा आवंटित हुई थी, उसके बाद में पुरानी कार्यकारिणी तथा हमारे समय भी राज्य सरकार और स्थानीय निकाय से प्रत्याचार करके हमने कॉलोनी की मांग की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन
और नेताओं के इच्छा शक्ति के कारण हमें उस मांग में सफलता नहीं मिली। साथ ही परिसर थोड़ा छोटा हो रहा है, पार्किंग के लिए भी हमने कई बार मांग की है कि हमें आसपास में जैसे हॉस्पिटल में थोड़ी पार्किंग का स्पेस दे दी जाए या कलेक्टर आवास के आसपास हमें पार्किंग की स्पेस दे दी जाए, तो यहाँ पे आने वाले अधिवक्ता और पक्षकार दोनों को सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि जो कोर्ट है वो सिटी सेंटर में है, तो यहाँ से हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इजीली अप्रोच कर सकता है, चाहे बाहर का व्यक्ति हो या लोकल व्यक्ति हो। इसलिए हमारी मांग है कि हमें आसपास ही पार्किंग मिल ली जाए। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव जो हर बार बड़े ही दिलचस्प होते हैं, यहाँ की प्रमुख मांग है हाईकोर्ट बेंच, लेकिन उसके अलावा भी आज हम अधिवक्ताओं से मिले और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जाना। अधिवक्ताओं का कहना है कि पार्किंग को लेकर लंबे समय से यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं, साथ ही जो अधिवक्ता हैं उनके बैठने के लिए चैम्बर्स यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पीछे की तरफ जगह खाली पड़ी हुई है, ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ अधिवक्ताओं की मांग है कि बिल्डिंग बना दी जाए जिस पर 2 मंजिला बिल्डिंग अगर बन सकती है तो काफ़ी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही जो पक्षकार आते हैं, आम जनता जो यहाँ पर आती है, उन लोगों के बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर अब तक नहीं हो पाई है। महिला अधिवक्ताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि कॉमन रूम नहीं है, टॉयलेट्स को लेकर दिक्कत है, और एक अधिवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि महिलाओं के लिए महिलाओं को ही लड़ना है, घर पर भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है, और यही स्थिति बार एसोसिएशन के द्वारा भी यहां पर महिलाओं में पाई गई है। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।